जोहार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान से 72 लोगों की मौत हुई तथा भारी नुकसान भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि हर संभव मदद दिया जाएगा। हम आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को 2.5 लाख रुपए तथा राहत व बचाव के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। झारखंड मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने वाले प्रचंड चक्रवात अम्फान का असर झारखंड के संथाल परगना के जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिला में अगले 24 घंटे तक रहेगी, जिससे जिले में 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश भी होगी। मौसम विभाग ने यह कहा है कि रांची के आसपास में बादल छाए रहेंगे, साथ ही साथ हल्की बारिश भी होगी। निजी स्कूल फीस मामला में मुख्य सचिव का बैठक। खबरों के अनुसार निजी स्कूल फीस में राहत को लेकर जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में स्कूल प्रबंधक, शिक्षा मंत्री और अभिभावक सम्मिलित होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि वे राजनीतिक नहीं करना चाहते हैं, स्कूल को अपनी बात रखने का मौका देना चाहते हैं। साथ ही अभिभावकों को भी बात रखने का मौका दिया जाएगा, इसके बाद ही कोई निर्णय के अनुरूप कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बैठक की तिथि जल्द घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड में आज 13 नए पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई, जिसमें रांची से 7, कोडरमा से 2, सरायकेला से 2, जमशेदपुर से 1 और गिरिडीह से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 290 से बढ़कर 303 हो गई, जबकि 136 मरीज स्वस्थ हुए और 3 की मौत हो चुकी। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 118,226 है, जबकि 48,553 लोग स्वस्थ हुए और 3584 लोगों की मृत्यु हो गई। 1.5 लाख प्रवासी झारखंड पहुंचे। खबरों के अनुसार विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर के लौटने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन में फंसे लगभग 1.5 लाख मजदूर झारखंड आ चुके, लेकिन लद्दाख में करीब 200, उत्तर पूर्वी राज्यों में 450 श्रमिक अभी फंसे हुए हैं, जिन्हें ट्रेन या बस से लाना संभव नहीं है। ऐसे में गृह मंत्रालय राज्य के श्रमिक को सम्मानपूर्वक लाने की अनुमति प्रदान करे। चार्टर प्लेन से मजदूरों को लाने के लिए सीएम ने लिखी चिट्ठी। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंडमान और लद्दाख सहित अन्य दूर राज्यों में झारखंड के लोगों को चार्टर प्लेन से लाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि अंडमान निकोबार, लद्दाख और उत्तर पूर्व के राज्यों में फंसे झारखंड के श्रमिकों और अन्य लोगों को चार्टर प्लेन से लाने की अनुमति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अन्य परिवहन के माध्यम से लाना फिलहाल संभव नहीं है। झारखंड में शराब की दुकानों पर नहीं हुई भीड़। लॉकडाउन 4.0 में मिली छूट के बाद राज्य भर में शराब की खुदरा बिक्री के लिए काउंटर सेल और टोकन सिस्टम लागू किया गया है। साथ ही शराब की होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है। झारखंड में शराब की दुकानों पर कहीं भी भीड़ नहीं दिखी गई, जैसे कि दिल्ली में देखा गया था। झारखंड में निःशुल्क बंट रहा है एंटी संक्रमण बूस्टर। खबरों के अनुसार भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिक एल्बम 30 दवा को संक्रमण से बचाव में सहायक बताते हुए इसके निःशुल्क वितरण की अनुशंसा की है। इसके बाद होम्योपैथिक नैदानिक अनुसंधान इकाई ने एक दवा का वितरण निःशुल्क शुरू कर दिया है। NHM डायरेक्टर डॉक्टर शैलाश कुमार ने यह दवा का वितरण की शुरुआत की है। प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए बस का यहां से कराए पंजीकरण। खबरों के अनुसार अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूर को बस या ऑटो वाले ठगी का शिकार बना रहे हैं। इससे देखते हुए झारखंड सरकार ने इनके लिए बस का पंजीकरण केंद्र की शुरुआत की है। मजदूर रांची रेलवे स्टेशन से खादगढ़ा बस स्टैंड आकर यहां पंजीकरण केंद्र में अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। यहां से हर जिले के लिए अलग अलग बस का पंजीकरण केंद्र खोला गया है। पंजीकरण के बाद रांची के जिला प्रशासन आपको घर तक पहुंचाएगी। लॉकडाउन में सखी मंडल की दीदियां खिला रही हैं खाना। खबरों के अनुसार सखी मंडल की महिलाएं विषम हालात में चक्रवात की परवाह किए बिना लाचार और गरीब लोगों को खाना परोस रही हैं। मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से हर जरूरतमंद को खाना मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीदियों के बेहतर प्रयास की सराहना भी कर चुकी हैं। मैट्रिक इंटर कॉपी जाँच होगी शुरू, रिजल्ट जून के अंत तक।
खबरों के अनुसार झारखंड में मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों की कॉपी जांच प्रक्रिया इसी माह शुरू की जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी थी। सरकार के स्तर से कॉपियां जांच की अनुमति दे दी गई है। राज्य में 6,21,000 परीक्षार्थी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिनका रिजल्ट जून के अंत तक दिया जाएगा। रांची, हटिया व मुरी स्टेशन पर आज से खुलेंगी आरक्षण टिकट काउंटर। खबरों के अनुसार शुक्रवार से रांची रेल मंडल में रेलवे स्टेशनों पर स्थित आरक्षण टिकट काउंटर खुल जाएंगे। रांची रेलवे स्टेशन पर आरक्षण टिकट के लिए दो काउंटर दो शिफ्ट में खुलेंगे। पहला 8 बजे से 2 बजे तक तथा दूसरा 2:30 बजे से रात 8 बजे तक, जबकि हटिया में एक शिफ्ट तथा मुरी में भी एक काउंटर खोला जाएगा। होमगार्ड जवानों की ड्यूटी 31 मई तक बढ़ी। खबरों के अनुसार संक्रमण को देखते हुए होमगार्ड जवानों की ड्यूटी सभी जिला में 31 मई तक बढ़ेगी, जिसका निर्णय पुलिस मुख्यालय ने लिया है। इस संबंध में IG साकेत कुमार सिंह ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ड्यूटी बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस पर विभाग की सहमति मिल गई है। महाराष्ट्र से 1511 मजदूर पहुंचे कोडरमा। खबरों के अनुसार 21 मई को महाराष्ट्र रत्नागिरी से कोडरमा पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जिसमें 1511 श्रमिक मजदूर थे, सभी की स्वास्थ्य जांच के बाद अपने गृह जिला भेजा गया। धनबाद में गांजा तस्करी के फर्जी केस की CID जांच शुरू। खबरों के अनुसार धनबाद के निरसा थाना में 25 अगस्त 2019 को 40 केजी गांजा केस की जांच CID ने शुरू कर दी है। इस मामले में DSP और इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू, दिल्ली मुंबई किराया 3,000 से 10,000 तक। खबरों के अनुसार केंद्रीय उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वंदे भारत अभियान से मिले अनुभवों से हमें आत्मविश्वास मिला। इसके आधार पर ही हमने 25 मई से घरेलू उड़ानों के परिचालन की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि किराया न्यूनतम और अधिकतम निर्धारित किया गया है। दिल्ली मुंबई के लिए 90 से 120 मिनट का 3500 रुपये न्यूनतम तथा अधिकतम 10,000 रुपये किराया होगा। साहेबगंज सदर में लगा ट्रूनेट मशीन। खबरों के अनुसार साहेबगंज जिला के सदर अस्पताल में संक्रमण की जांच के लिए ट्रूनेट मशीन का उद्घाटन उपायुक्त वरुण रंजन द्वारा किया गया। इस मशीन से संक्रमित मरीजों की रैपिड टेस्ट ली जाएगी, जो एक दिन में 30 से 32 जांच का रिजल्ट देगा। अधिवक्ताओं को मिलेगी 5,000 रुपये तक आर्थिक सहायता। खबरों के अनुसार एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्ट कमेटी के चेयरमैन ने ट्रस्ट फंड से जरूरतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने पर सहमति दी है। अधिवक्ताओं को अधिकतम 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। धनबाद में फंसे हैं 39 विदेशी विद्यार्थी। खबरों के अनुसार लॉकडाउन की वजह से धनबाद जिला में स्थित IIT ISM में संक्रमण संकट के बीच 39 विद्यार्थी फंसे हुए हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं। सभी विद्यार्थी अफगानिस्तान, सूडान, घाना, तंजानिया समेत कई देशों के हैं। BSNL की इंटरनेट व कॉलिंग सेवा ठप। खबरों के अनुसार अम्फान तूफान के कारण कई प्रकार की दिक्कतें आने लगी है। बुधवार रात में कॉलिंग में दिक्कत आई तो कोलकाता को ठीक किया गया, तो वहीं गुरुवार की सुबह कॉलिंग दिक्कत पुनः शुरू हो गई। इसी प्रकार इंटरनेट सेवा भी बार बार डाउन हो रहा था। गुमला जिला में मजदूरों को भोजन न मिलने से किया हंगामा। खबरों के अनुसार मजदूर व उनके बच्चे भूखे थे, भोजन मांगने पर नहीं मिला तो बच्चों की भूख व घर पहुंचने की जिद ने गुरुवार को मजदूरों ने गुस्सा में गुमला में हंगामा किया। मजदूरों की संख्या लगभग 150 बताया जा रहा है। सभी मजदूर पैदल ही चल पड़े। रांची जिला प्रशासन ने 902 मजदूरों को भेजा घर। खबरों के अनुसार संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर झारखंड लौट रहे हैं। इसी क्रम में रांची जिला में आने वाले मजदूरों को जिला प्रशासन द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है। रांची उपायुक्त राय के निर्देश पर जिला प्रशासन टीम द्वारा 902 मजदूरों को 24 घंटे में उनके जिलों तक पहुँचाया गया। रेलवे टिकट बुकिंग शुरू होते ही 2 घंटे में कुल 1.5 लाख टिकट हुए बुक।
खबरों के अनुसार रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जिसका टिकट बुकिंग शुरू कर दिया गया। टिकट बुकिंग शुरू होने के 2 घंटा के अंदर ही 1.5 लाख टिकट बुक किया गया। ग्रीन जोन चतरा में संक्रमण की दस्तखत। खबरों के अनुसार झारखंड के चतरा जिला में भी संक्रमण ने दस्तखत दे दी है। अब तक यह जिला ग्रीन जोन में था। चतरा जिला के कान्हाचट्टी प्रखंड के मंझौला खुद से एक पॉजिटिव व्यक्ति मिला है, जो मुंबई से लौटा था। प्रवासी मजदूर जो पंजीकरण करा चुके हैं, वे अपने SMS की सूचना आने का इंतजार करें। झारखंड सरकार सभी मजदूरों को घर लाने के लिए हर संभव मदद कर रही है। मजदूर धैर्य बनाए रखें। वैसे मजदूर जो खुद झारखंड लौटने में सक्षम हैं, वे गाड़ी रिजर्व कर लौट सकते हैं या रेलवे द्वारा टिकट बुकिंग कर झारखंड लौट सकते हैं, जो 1 जून से ट्रेन सेवा शुरू होगी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को 1 लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।